बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी तहरीम सलीम कसीरी। हाउ आर यू स्टूडेंट्स? आई होप यू आर ऑल्सो फाइन। ट्रेज योर इस्लामिया सेशन, ठीक है, सेशन टू आ जाए आप लोगों का इस्लामियात का, ऑनलाइन विद स्मार्ट इस्लामियात, सही। तो आप क्लास एट के स्टूडेंट्स हैं, तो आपका टॉपिक चल रहा है सब्र व तहम्मुल। सब्र व तहम्मुल के हवाले से हमने कल रीडिंग की थी वन पेज की, और इसी के हवाले से क्वेश्चन दो किए थे जो आपको लर्निंग के लिए भी मैंने दिए थे, और साथ साथ टैली भी करवाया था जो आपकी वर्किंग हो चुकी है, सही। तो चैप्टर जो वन पेज की रीडिंग हो चुकी थी हमारी, तो आज उसी टॉपिक के लिहाज से मैं आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ, आपकी इन्फॉर्मेटिव के लिए कि आप इस वीडियो को अच्छे से वॉच कीजिए और उसको समझें और फिर से अपनी अपनी ज़िंदगी में यूज़ करें, सही। तो उसमें जो वीडियो में आपको जो बताया जा रहा है, जिस जो एग्ज़ाम्पल से जा रही है, तो आप लाजमी उसे अच्छे से वॉच कीजिएगा और उसे समझिएगा कि किस तरीके से ये आपको काम आता है, ठीक है। तो सब्र व तहम्मुल बहुत अहम चीज़ है, इसका अजर बहुत है, सही। तो लेट मी स्टार्ट द वीडियो। सबर अपने आप के साथ, पेशेंस द फर्स्ट रेसिपी ऑफ विजन मैनेजमेंट इज एंड सक्सेस। अनडिफाइंड सबर, अनक्वांटिफाइड सबर, इतना सबर कि इंसान कहे मेरा जवाब मैं नहीं दूंगा, मेरा काम देगा, मेरा जवाब मैं नहीं, मेरी कौम देगी, मेरा मुंह मेरा जवाब नहीं देगा, कायनात का मालिक जवाब देगा मेरी तरफ से। इतना सबर अपने नफ्स की शॉर्टकमिंग्स पर, अपनी नफ्स की कमजोरियों पर, अपनी एक्सपेरिमेंटेशन में कॉन्सेंट्रेशन रिस्पॉन्स टाइम के ऊपर, लोगों की बातों के ऊपर, लोगों की धुतकारों के ऊपर, सीवी रिजेक्ट होने के ऊपर और धक्के खाने के ऊपर, और उन तन्हाइयों के अंदर जहां लोग तेरे अंदर का वो जिन नहीं देख सके, जहां लोग तेरे अंदर का वो आतिश फिशा ना देख सके, उन वक्तों का सबर जब तुझे वैसे ही मार्केटिंग में बुला लेंगे जब तू मशहूर हो जाएगी और हो जाएगा, उन वक्तों का सबर जब कोई नहीं जानता होगा कि यार ये वाकई फ्यूचर का एक फ्यूचर जा रहा है यहां से, उन वक्तों का सबर जब लोग नहीं जानते होंगे, आज इससे बात करने के लिए भी इसको ओए ओए करके बुलाते हैं, कल इसके मार्केटिंग हेड को मैसेज करना पड़ेगा यार इनसे एक लेक्चर दिलवा दो। वो सबर के लोग उन कब्रों में तुझे गिरा के आएंगे और ऐसी सरों पे गोलियां मार के आएंगे कि तू हेडशॉट के बाद उठ ना सके। इतना सबर तुझे चाहिए बेटा। मुंह से कायल करेगा ना तो इस शहर का कोई जानवर भी नहीं तुझे सुनेगा, और तू लोगों को कायल करना चाह रहा है कि मैं ये कर सकता हूं, मैं ये कर सकता हूं, बेटा अपने अमल से प्रूफ करता है आदमी। इतना सबर के मुंह को टेप लगा ले। स्टॉप यैपिंग फ्रॉम योर माउथ एंड स्टार्ट परफॉर्मिंग टुवर्ड्स योर ग्रेट सक्सेस इन जर्नी। इतना सबर, मारने दे इन्हें खंजर तेरे छातियों पर, मारने दे इनको खंजर अपने ऊपर, कोई गम की बात नहीं है। अबे ये तो तारीख है इमामों की कि उन्हें सीनों और गर्दनों और उनकी गलों और गिरेबानों के ऊपर छुरे मारे गए हैं। वो लीडर ही क्या, वो जो शुरुआत में डिस्कवर हो जाए, जब वो डिस्कवर होता है ना तो गोल कोस्ट जैसी फिर चैनल्स के ऊपर ना उसकी मोटिवेशनल वीडियोस चलती हैं। फिर जब वो डिस्कवर होता है ना तो फिर वो टोनी रॉबिन्स और स्टीवन कवी जैसे लोग बन जाते हैं। जब वो डिस्कवर होता है ना तो वो अल्लामा इकबाल होता है, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान होता है फिर वो। बट अ टैलेंट एंड अ जीनियस विल ऑलवेज बी डिस्कवर्ड बेटा। गलत रास्ता अख्तियार ना करें अपनी मंजिल तक के लिए, अपने उसूल अपनी वैल्यूज का गला ना घोंटी कभी, अपनी जात को चंद टकों के आगे बेचना नहीं कभी। तेरे आइडिया को बायर भी लगेगा, फाइनेंस भी लगेगा, लोग भी लगेंगे और टीम भी लगेगी। सबर, इतना सबर, मगर सिर्फ सबर करके बैठना भी नहीं है। वकानु भी आयाती ना यकीनून, यकीन भी रखी, पॉजिटिविटी, यकीन अमल प्रोड्यूस कराता है, यकीन पॉजिटिविटी निकालता है, यकीन जो गाल पे थप्पड़ मारता है ना उसको स्माइल देता है। कोई मसला नहीं सर, फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह। आज हम आपसे मांगने आए, कल मैं आपका ये स्कूल खरीदने आऊंगा इंशाल्लाह, याद रखिएगा। लेकिन आज मैं आपसे टाइम मांग रहा हूँ और आपके पास टाइम नहीं है हमारे लिए। कल आप हमारा वक्त मांगेंगे और कौन आपको नौकरी की उस टाइम पर, ये हम आपको नहीं दे सकते। मैं इतनी बड़ी सल्तनत खड़ा करूंगा क्योंकि मैं गैरतमंद भी हूँ, गयूर माँ बाप की औलाद भी हूँ, किसी बेहया का खून नहीं हूँ। आई एम अ मैन हु इज मेंट टू कॉन्कर डेस्टिनीज, आई एम अ मैन हु इज मेंट टू नेल डाउन हिज परसेप्शन इन पीपल्स हार्ट। वो गम ही नहीं होता बेटा, विजन में अपना तो गम ही नहीं होता, कौम होती है, लोग होते हैं और बाजू होते हैं अपने साथ सिर्फ। दर्द होता है वो आंसू होते हैं जो अंदर ही होते हैं, और अल्लाह होता है बंदा कहीं नहीं होता। और अपने आप को काट के गोश्त देना होता है कौम को, खून देना होता है अपनी कौम को, अपने लोगों को। और आप सोचे हैं घर में खाने को नहीं होगा, मगर आपका मार्केटिंग एचआर का आदमी कहेगा कि भाई जान मेरे पास 20,000 रुपए नहीं है, 25,000 नहीं है। आपको अपने लोगों इतना सबर करना पड़ेगा क्योंकि उस टाइम पर रिसोर्स नहीं है बेटा, लोग नहीं है तेरे साथ।
तू छोटी सी कंपनी है और पहले तो तू ही HR होगा, तू ही कॉर्पोरेट मार्केटिंग होगी, तू ही सेल्स डिपार्टमेंट होगा, तू ही सब कुछ, तू CEO भी तू और पूरी कंपनी का वो जमादार भी तू जिसने अपने इन कपड़ों से पोछे लगाने होंगे। कोई नहीं होगा तेरे साथ। हार ना मानी। आज तू पातेक फिलिप्स रोलेक्स रसल एंड ब्रोमली और गुची अरमानी नहीं पहन सकता तो घबरा नहीं, ये सब तेरी कदमों के ऊपर आ जाएंगे एक दिन। तो इसलिए कहते हैं लम्हे तो वो होते हैं जब इंसान कुछ नहीं होता, जब कुछ होता है फिर तो दुनिया चूमने आती है। जब आज अगर तू कुछ नहीं है, आज अगर तू कुछ नहीं है, मैं तुझे कह के जाता हूँ बेटा इज्जत कर अपनी। एक दिन होगा जो जमीन पे नहीं तू कंधों पे एंट्रियां मारेगा यूनिवर्सिटियों के अंदर लोगों की। लेकिन घबरा नहीं, ये वक्त मुश्किल होता है। ख्वाब देखना सबसे अजीम तरीन कुफर इस जमाने के अंदर कि मैं ये बनाना चाहता हूँ, उसके बाद उस ख्वाब को रिटेन करना, उस ख्वाब को अपने आप को रोज ड्रिल डाउन करना, नेल डाउन करना और फिर बनाते बनाते एक गाड़ी और आगे आपसे निकल जाएगी, चार गाड़ियां और निकल जाएगी और अंदर से आवाज आएगी, छोड़ दे भाई तू नहीं कर सकता, तू नहीं कर सकती। नहीं, यहां से इंकलाब खड़े होते हैं। यहां ऐसी ऐसी खामोशियां होंगी आप सोच नहीं सकते। सो इट्स अ गेम ऑफ मसल एंड इट्स अ गेम ऑफ स्पिरिट एंड इट्स अ गेम ऑफ स्ट्रेटजी। जो लोग समझते हैं कि मैं बहुत हद तक तकलीफ बर्दाश्त कर सकता हूं और आप देखेंगे वो गेंडे की तरह दीवार में सर मारते रहेंगे, हालांकि वो काम स्ट्रेटजिकली किया जाता तो कम रिसोर्स जाया किए हुए जल्दी हो सकता था। और कुछ लोग इतने बुकवर्म्स और इतने प्लानिंग के जीते होंगे, प्लानिंग चल रहा होगा लेकिन मसल हिलाने नहीं है कभी, बैठे हुए किताबें लिख दी होंगी यूं होना है यूं होना है यूं होना है मगर एक इनिशिएटिव नहीं लिया। सो वो इल्म जो कभी नियत ना बन सका और वो नियत जो इरादा ना बन सकी और वो इरादा जो अजम ना बन सका और वो अजम जो कसद ना बन सका और वो कसद जो अमल ना बन सका और वो अमल जो नतीजा ना ला सका और वो नतीजा जो मुहासबा ना करा सका और वो मुहासबा जो तौबा ना करा सका, ऐसे इल्म के बारे में तो अल्लाह कुरान में कहता है कमसले हिमार या हमेलु असफार, ये गधे हैं जिन्होंने किताबें अपने ऊपर रख ली। इन सब घाटियों से इल्म ने गुजरना है तो फेलियर हार इस फील्ड की ताज है, इसका मेराज। जो इंसान कहे मैं हारा नहीं जिंदगी में, भाईजान वो बन ही नहीं सकता कुछ कर, और जो हार के सीखा नहीं वो भी नहीं बन सकता कुछ, और जो हार के उठा नहीं उसे तो पहले ही कहें भाईजान ये आपका वीजा है वापस चले जाएं, इस मुल्क और इस वादी में आपका कोई लेना देना नहीं। ये तन्हाइयों का गेम है या अकेलेपनों का गेम है। शकूक और शुभात और इस्तराब के ऐसे महल मिलेंगे आपको आप सोच नहीं सकते। लेकिन इस पूरी स्ट्रगल के अंदर जिंदगी में अपने ख्वाब में कुछ बनाने के लिए, अपना आप मनवाने के लिए और अपना लोहा मनवाने के लिए इंसान को सबसे पहले लोग बाहर कन्विंस कर रहे होते हैं भाईजान, सबसे पहली तरबियत अपनी होती है। 40 साल मेरे नबी को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ने ऐसा ग्राइंड किया कि ही वाज द मास्टर ऑफ द वंस बिफोर हिम एंड द वंस टू कम आफ्टर हिम। लेकिन इतनी बड़ी तारीख कैसे खड़ी हो सकती थी जब तक के उस शख्स की उस इंसानी एट्रीब्यूट्स का वो कमाल और जमाल का जहूर ना होता कि जिसने उसने दुनिया में माइकल हार्ट के इस जुमले को पूरा करना था कि अगर इंसान की कोई मेराज हो सकती है ना तो वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और वो कोई और नहीं हो सकता, क्योंकि इसने ह्यूमन पोटेंशियल पे वो परफॉर्मेंस दी है। कंसिस्टेंसी, कॉन्शियसनेस, सर्टेंटी, यकीन, सबर, इस्तकलाल, तहम्मुल, मुस्तकिल मिजाजी, दवाम और उसके बाद रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी, ताल्लुक बिल्ला, तस्किया, तालीम, हिकम के ऐसे बाप माने हैं। इस नेचुरल कैपेसिटी और पोटेंशियल पे एज अ ह्यूमन बीइंग ये ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती ना पहले ना आखिरी के अंदर। इसलिए प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज द बिगेस्ट फिनोमेनन इन ह्यूमन लाइफ दैट कैन हैपन। एक शख्स इतनी एक्चुअली लाइफ कैसे जी सकता है? ये तभी हो सकता है जब हमें जज्बात, मोहब्बत, गजब, दुख, दर्द, उम्मीदें ये फ्यूल्ड होते हैं, ये नाइट्रोज होते हैं जो कभी कभी दिए जा सकते हैं। मगर इतना लंबा सफर है ये, इतना थका देने वाला सफर है ये, इतना तोड़ देने वाला सफर है ये, इसमें महज जज्बातों के साथ नहीं खेला जा सकता। इसमें इंसान को उसूल चाहिए, इसमें इंसान को अकीदा चाहिए, इसमें इंसान को नजरियात चाहिए, तफक्कुर चाहिए, तफक्कुर फिल शरा चाहिए, तफक्कुर फिल कौन चाहिए, उसे वो सोच चाहिए जो उसके अंदर से सेल्फ प्रोडक्टिविटी क्रिएट करती हो कि दिस इज एन ऑट फॉर मी टू डू इट। मैं इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मैंने उसको गिराना है, मैंने इसको नीचे लगाना है, मैंने उसमें शोहरत हासिल करनी है, मैंने अपने नफ्स को प्रूव करना है। विजन बनाया इसलिए जाता है बिकॉज इट इज द आउट ऑफ द टाइम। ये इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये होना चाहिए और ये इसलिए कर रहा हूं कि शायद
वर्ष के बादशाह ने मुझे चुना है इसके लिए, मैं क्लेम नहीं करता, लेट मी गिव इट अ ट्राई। तो तकब्बुराना मिजाजों के साथ जहाँ नफ्स में हसद हो, बुगज हो, तकब्बुर हो, कीना हो, ये छोटी सेल्फ सेंटर्ड इंट्रोस्पेक्टिव वैल्यूज के साथ इमामतें और क्यादतें नहीं होती भाईजान, सफर बहुत लंबा है। आपको लोग चाहिए, आपको रिसोर्स चाहिए, आपको टीम चाहिए जो कम पैसे में आपके साथ काम करे। अगर आपके मिजाज के अंदर, आपकी पर्सनैलिटी के अंदर ये छोटे छोटे मसाइल हैं, आप दुश्मनों को दोस्त और दोस्तों को दुश्मन बनाएंगे, आप रिसोर्स जाया करेंगे, आप अहल की नाकदरी करेंगे, आप मेरिट को उठा के फेंकेंगे और आप अपने इर्द गिर्द वो लजना बनाएंगे जो खुशामद परस्तों की। अगर आपने यही करना है तो भाईजान मैं आपको बता रहा हूँ, जिंदगी की जंग में वो शख्स जो आपके मुकाबले में खड़ा होगा और अपनी वैल्यूज को प्रॉपर करके लाया होगा, आप नहीं जीत सकते उससे। अगर वो अल्लाह लाएगा जंग में अपने साथ एक मशीन चलाने के लिए, और वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी लाएगा उस जंग के अंदर अपने साथ, और वो बुजुर्गों के तजर्बे लाएगा अपने साथ, वो माँ बाप की दुआएं लाएगा अपने साथ, फील्ड के आइंस्टाइन की थ्योरी लाएगा अपने साथ, और दुनिया के अंदर कॉन्टेम्पलेशन लेके आएगा उन वक्तों में जहां हम पार्टियां कर रहे थे, जहां हम लगे हुए थे इधर उधर मस्तियों के अंदर, बिकॉज वी थॉट लाइफ इज अ वॉक इन अ पार्क इन पीस एंड कैरेट्स। अगर वो अपना टाइम मैनेजमेंट लाएगा, अगर वो अपना रिसोर्स मैनेजमेंट लाएगा, आप उससे नहीं जीत सकते। उसके बाद भी अगर वो हार गया और अगर वो टैप अप करता है कि वेल डन ब्रदर, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम पॉजिटिव कॉम्पिटिशन में तेरे साथ ही खड़े होंगे, एंजॉय योर सक्सेस, ऐसे पट्टे को आप नहीं हरा सकते। जिस इंसान में छोटापन हुआ, उसकी नफ्स के अंदर शख्सियत के वो गलीज जरासीम हुए कि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता क्योंकि ये महाजर है, ये पंजाबी है, ये सिंधी है, ये सराइकी है, वो बर्दाश्त नहीं कर सकता कि ये एलीट क्लास का, ये मिडिल क्लास का, ये हाई क्लास का, ये लोअर क्लास का, वो बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मैं मर्द हूँ, ये औरत है, वो जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन रखता है, और वो बर्दाश्त नहीं कर सकता कि ये लिबरल है, ये मौलवी है, ये फलान है, ये मिड है, ये क्रूजी है, ये फलान है, ढिमकाना। अगर वो बर्दाश्त नहीं कर सकता इंसानों को, वो टीम मैनेजमेंट नहीं कर सकता। और ख्वाबों को तकमील करने के लिए बेटा बाजू चाहिए होते हैं, और लीडर होता ही वो है, विजन होता ही वो है जो अपने अंदर कायनात को इनकम्पास कराता है, वो मैग्नेटाइज कराता है कौम को अपने अंदर कि आई एम द मैन एंड आई एम स्टैंडिंग हियर राइट नाउ। और वो अल्लाह को भी कन्विंस करता है कि तू पूरी कहकशां फलक घुमा मेरे लिए यहां पर, क्योंकि मैं खड़ा हूं यहां पर। And as Allah says, Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam says, "Ana ain dazan niyabti bhi." मैं बंदे के गुमान के मुताबिक, तू कंजूस आएगा तुझे कंजूसी मिलेगी, तू गनी होके आएगा लोगों से हम तुझे वो गनी दिखाएंगे जो तू देख नहीं सकता कभी। You come the way you come to me, and I'll give you the way. तू एक कदम बढ़, हम दस दुना, हम कायन, हम पे के तीन नुक्तों को से के तीन नुक्ते बनाएंगे, लेकिन तू दिल ला वो जो हमसे जुड़ा। तू इंसानों की पॉजिटिविटी के लिए फील्ड के अंदर उतर। ऑप्टिमिज्म, पॉजिटिविटी, नेचुरल बिहेवियरल साइकोलॉजी, परसेप्शनल बैलेंस, इन अल्फाज के साथ तू आ, तू हाथ रखेगा हम सोना कर देंगे। और देख, अगर ये चीजें नहीं है, सफर लंबा है। सफर लंबा है अगर आप लोगों के हक मारना चाहते हैं, सफर लंबा है अगर आप नफ्स की शोहरत चाहते हैं, सफर लंबा है अगर आप तारीफों के भूखे हैं, सफर लंबा है अगर आप पैसे दौलत के लिए कर रहे हैं, सफर लंबा है अगर आप लोगों को झुकाने के लिए कर रहे हैं, सफर लंबा हो जाएगा। इट्स अ लॉन्ग वॉक। पहला सबक आज सीख के जाना बेटा, ये बहुत लंबा सफर है, सदियां हैं, तन्हाइयां हैं, और यूसुफ अलैहिस्सलाम की कैद है। और सोचें वो जो एक उनका साथी था, जब वो जाने लगा तो सूरह यूसुफ पढ़िएगा, उन्होंने क्या कहा कि भाई जाके उसको बताना मेरे साथ एक औरत ने ज्यादती की थी, वो भूल गया। तेरे भी आइडियो को सुनने के बाद लोग भूल जाएंगे बेटा, कोई याद नहीं रखेगा कि पाकिस्तान कराची के शहर में एक जीनियस था, बल्कि प्लेजरिज्म के बाप मिलेंगे तुझे। लोग तेरा आइडिया लेके उसको क्योंकि उसके पास मशीनरी ज्यादा है, उसके पास मार्केटिंग हाउस बड़ा है, उसके पास बजट बड़ा है, तेरे पास आइडिया बड़ा है, वो तो उससे उठाएंगे बेटा और खुद रेनोवेट करके ऐसी बड़ी कोक और पेप्सी की इंडस्ट्री खड़ी कर देंगे। जीनियस वही मर जाएगा। इन मगरमच्छों में तूने मकाम बनाना है बेटा अपना। तो पॉइंट इज फॉर यू टू बी समथिंग लार्जर देन लाइफ इन लाइफ। जिंदगी में मौत के उस बिस्तर पे लेटते हुए इंसान को जो इत्मीनान होता है कि मैंने एक शेर की जिंदगी जी, मैं कायर की मौत नहीं मरा, मैं लोगों के डिफाइंड वैल्यूज पे नहीं चला, मैंने मुल्क को भी सर्व किया, मैंने दीन को भी सर्व किया, मैं कौम को भी सर्व करके गया, और फखर से मैं आज अपनी मौत को एम्ब्रेस करता हूँ। तो अल्लाह फरमाते हैं वजअलना मिन्हुम अइम्मा। हम इंसान को जो सिर्फ इंसान होता है, अइम्मा, अइम्मा इन अरबिक इज द जमा ऑफ इमाम, हम उसे इमाम बनाते हैं, लीडर बनाते हैं अपनी फील्ड में, सिग्नेचर बनाते हैं कि वो हाथ रखता है और वहां डेफिनेशन लिख दी जाती है। इतना तजर्बा होता है कि वो जो बोलता है वो एकेडमिक्स बन जाती है उस टाइम के ऊपर। हम उस इंसान को जो कुछ भी नहीं था, जो कहीं रोडों में, कहीं बसों में, कहीं पीले स्कूलों में, कहीं टाटों में बैठा हुआ धक्के खा रहा था, हम उसे इमाम बना। ओके डियर स्टूडेंट, आई होप सो आपने वीडियो को अच्छे से वॉच किया होगा और अच्छे से आपको वीडियो समझ आ गई होगी कि सब्र और तहम्मुल के लिए हमें कितना बेयर करना पड़ता है। सब्र का मतलब ही क्या है, अपने आप को रोकना, और तहम्मुल का मतलब क्या था कि बर्दाश्त करना, कि आप किन किन बातों को अपने आप को बर्दाश्त कर सकते हो, ठीक है, और किन बातों से अपने आप को रोक सकते हो।
क्योंकि हम मॉइस्चर को तो चेंज नहीं कर सकते ना, तो सबसे पहली चीज़ क्या होती है, हम अपने आप को चेंज करेंगे। अपने आप को रोकना है हर बुरी चीज़ के लिए, ठीक है। जितना हम अपने आप को रोकेंगे उतना ही हमारे लिए अच्छा है, और कयामत के दिन के लिए हमें बहुत बड़ा अजर मिलने वाला है इसके लिए। ओके स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट, तो आपको इस वीडियो से आपको भी अंदाज़ा हो गया होगा कि सब्र तामुल हमारी ज़िंदगी में कितना बड़ा अजर लेकर आ सकता है कयामत के दिन। सही, जितना आप अपनी ज़िंदगी में सब्र और तामुल से काम लेंगे उतने आपको आगे इसका सिला मिलेगा। जैसे कि आपको हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताया गया कि उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सब्र तामुल के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारी है, ठीक है। तो ये बेहतरीन मिसाल है हमारे लिए, ठीक है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, सी यू सून।